हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल फ्रेंड्स आज हम वीडियो में माल न्यूट्रिशन का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ देखने जा रहे हैं हमने यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के टोटल फाइव नर्सिंग केयर प्लान तैयार किए हैं तो आप वीडियो की सहायता से आसानी से इनको देख सकते हो अपने नोट्स ले सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद से नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान्स ऑन माल न्यूट्रिशन नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं अबाउट माल न्यूट्रिशन तो देखते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में माल न्यूट्रिशन अगर व्हेन द दा बॉडी डज नॉट गेट एनफ फूड और द राइट अमाउंट और बैलेंस ऑफ न्यूट्रिय नीड टू फंक्शन प्रॉपरली इट मे बी कॉज्ड बाई ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन मीन्स वो कंडीशन है जब हमारे शरीर को राइट right अमाउंट में या जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बैलेंस अमाउंट में नहीं मिल पाते तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान्स में नर्सिंग केयर प्लान माल न्यूट्रिशन के लिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट फर्स्ट केयर प्लान होगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर हम नर्सिंग केयर प्लान में डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स यूज करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन रेशनल इंप्लीमेंटेशन एवेल्यूशन ये हमारे नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स होंगे इनके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बताएंगे नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा होगा पेशेंट रिफ्यूज टू एट फूड मीन्स पेशेंट खाने से इनकार कर रहा है इस तरह से एंड ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव तो तो डाटा में लिखना असाइज द पेशेंट वेट रिकॉर्ड थोरो डाइटिस्टी लैब वैल्यू सीरम एल्बोमिन हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा असाइज द वाइटल साइन जर्नलाइज पोअर मसल टॉन मसल वीकनेस तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा थे सब्जेक्टिव डाटा मिस जो डाटा हम पेशेंट से पूछ के ले रहे हैं पेशेंट बता रहा है इस तरह से और ऑब्जेक्टिव डाटा जिनको हम असेस करें ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट एट द नर्सिंग डायग्नोसिस इन डाटा के बेस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स मे बी रिलेटेड टू अनविलिंगनेस टू इट सेकेंडरी टू माल न्यूट्रिशन तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की कंडीशन इम्बेलेंस है क्योंकि जो पर्सन है उसका खाने की इच्छा नहीं है और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है इस तरह से गोल होगा टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस मीस जो हमको पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन करना है यहाँ लिखना है टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स क्या क्या हमको प्लान करना है पेशेंट के जो एम्बेलेंस न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए रेशनल मींस वट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देंगे उसके पीछे क्या रीज़न है यानी इंप्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया उसको अप्लाई करना है तो यहाँ पर ये सारे हमारे इंटरवेंसन रेशनल इम्प्लीमेंट्स होंगे हमको यहाँ पर इंटरवेंशन और रेशनल लिखना है जब हमको एग्जाम में लिखना है इस तरह से और यदि हम नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल या असाइनमेंट वर्क में तो हमको इम्प्लीमेंटेशन लिखना है तो केवल एग्जाम पर्पज़ या कॉपी परपज़ में हमको इंटरवेंशन या रेशनल इस तरह से बहुत सफिशियंट हो गए और प्रैक्टिकल फाइल में हमको इम्प्लीमेंटेशन लिखना इस तरह से तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन चेक द पेशेंट वेट रेशनल होगा डेली वेट प्रोवाइड फीडबैक अबाउट वेदर द ट्रीटमेंट प्लान नीड एडजस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन होगा वेट चेक नंबर सेकेंड गिव गुड औरल केयर रिश्नल को टू इंटरेस्ट इन ईटिंग को कोरल केयर गिवर नंबर थर्ड देखते हैं प्रोवाइड ए प्लीजेंट एंड एनवायरमेंट रिश्सोगा ए प्लीजेंट एनवायरमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन प्लीजेंट एनवायरमेंट प्रोवाइडेड नंबर फोर्थ होगा ऑफर असिस्टेंस विद ईटिंग फेसिलिटेटेड इन ईटिंग एंड इम्प्लीमेंगिटेंस ऑफर नंबर फिफ्थ गेव एन टाइम टू कंप्लीट द मिल प्रॉपर टाइम देना है रेशन होगा मेक द मील मोर एंजॉयबल एंड पेशेंट इजीली चू द मील इम्प्लीमेंट्स होगा एन एफ टाइम एन एफ टैम गिवन टू एट नंबर सिक्स एनकरेज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड हेल्थी स्नैक्स बिटवीन मील रेशन होगा एक्स्ट्रा स्नैक्स एंड सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशनल स्नैक्स इनक्रीज कैलोरी इंटेक्स इम्प्लीमेंट्स होगा एनकरेज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड हेल्थी स्नैक्स बिटवीन मेल्स नंबर सेवन देखते हैं सेवन होगा प्रोवाइड स्माल फुल मील होगा स्मॉल फ्रिकुंट पोर्स माइट बी मोर टॉलरेबल एंड इंक्रीज ओवरऑल कैलोरी इनटेक इंप्लीमेंटेशन होगा स्मॉल फ्रिकुंट मिल प्रोवाइड नंबर एट अवेलेट देश रिजल्ट The results of laboratory testing are crucial in establishing the nutritional condition of a patient. Implement laboratory result evaluated. Number 9 provide a proper body positioning while eating, elevating the head of the bed or even placing the patient in the chair while eating ensures the best posture possible for food digestion. Implement proper body. पोजिशन गिवन नंबर टेन हो गया पर डिसेज कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड बेवरेज होगा दिजरेजे कैन स्पॉइल द पेशेंट्स एपेटाइट बाय डिक्रीजिंग हंगर एंड कैन लीड टू इट सेटाइट इंप्लीमेंट होगा एंड डिस्करेज फॉर कैफिनेटेड बेवरेज नंबर इलेवन होगा एंटीसिपेट द नीड फॉर पेरेंटल पी पी एन और टीपीएन और Parental nutrition tube feeding. If the patient cannot take insufficient nutrient by mouth, other options are by a tube to stomach or intravenously. Implement this. Anticipated need for parental nutrition. Number 12. Collaborate with dietitian regarding the nutritional status and diet planning. Dietitian can determine the patient's daily caloric and nutritional requirement to increase weight and maintain an आइडियल होगा कोलाबोरेट विद डाइटेशन नंबर थर्टीन प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन और डायट्री गाइडलाइंस होगाउट फूड ग्रुप टू मेंल्दी न्यूट्रिशन एट होम इंप्लीमेंटेशन होगा न्यूट्रिशनल एजुकेशन आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन सभी इंटरवेंशन देने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है देखते हैं अपने पर एवेल्यूशन में एवोल्यूशन में होगा पर न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन एंड पेशेंट मेंटेन हेल्थी वेट जो हमारा गोल था टू तो मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस वो हमने यहाँ पर अचीव किया भाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं जो आपको अभी बताए थे तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट माल न्यूट्रिशन का है जो एम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकेंड केयर प्ला नंबर सेकंड हो गया रिस्क फॉर एम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी तो इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल इसलिए आएगा क्योंकि ये रिस्क डायग्नोसिस है रिस्क डायग्नोसिस मिस अभी तक किसी भी प्रकार का साइन सिम्टम अपेयर नहीं है बट रिस्क है स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हो सकता है तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा है मिस अभी तक कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना द स्किन ड्राई फ्लैक स्किन ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट डेटा वी रेटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंट्रग्रिटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ सब क्विंटिनियस फैट सेकेंडरी टू माल न्यूट्रिशन स्टेट गो लोवर टू मेंटेन स्किन इंट्रीग्रिटी मेंटेन करना है तो देखते हैं नेक्स्ट प्लानिंग और इंटरवेंशन फर्स्ट होगा यहाँ पर वो इंटर पेशेंट स्किन को हमको मॉनिटर करना है चेक करना असेस करना रिस्क होगा हेल्प इन ले इंटरवेंसन प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्किन मोनिटर नंबर सेकेंड देखते हैं अप्लाई लेस प्रेशर एंड मसाज द स्किन लाइटली स्पेशली अराउंड द बॉनी प्रोमिनेंस वाइल प्रोवाइडिंग स्किन केयर हमको ठीक से प्रोवाइड करना है हल्का लाइट मसाज करना है जिससे किसी प्रकार का इंजरी नहीं हो रिश्वन होगा दिस इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन ये स्किन के और उस एरिया के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा इंप्लीमेंटेशन में स्किन केयर की बन नंबर थर्ड एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड विग्रस रबिंग एंड स्क्रेचिंग बहुत तेज से रब नहीं करना है स्क्रेच नहीं करना है रिस्ट लोग ट्रामा टू सेंसीटिव टिश्यूज जो टिश्यू इंजरी स्किन इंजरी को प्रिवेंट करेगा इम्प्लीमेंटेशन एडवाइज टू अवॉइड स्क्रेचिंग एंड रविंग नंबर फोर्थ टर्मस और रिपोजिशन फ्रिक्वेंटली पेशेंट का पेशेंट का पोजिशन बार बार चेंज करना है रिश्त लोगों पर प्रमोट्स Circulation and prevent undue pressure on the skin and tissue. Implementation turn patient frequently number five. Encourage the application of moisturizers, moisturizers and cream twice daily and immediately after showering. Reason loga it reduces itchiness by lubricating the skin. Implementation creams applied on skin number six. Suggest bathing on alternate days. Reason loga frequent bathing since it causes the skin to become dry and flaky. Implementation suggested alternative day for washing. Number seven, advise patient to consume a nutritionally balanced diet that include adequate hydration. Reason, maintaining healthy balance in dietary and fluid consumption will help to improve the state of the patient's skin. Implementation advised patient to consumes nutritionally balanced diet. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंसन वेराइटी एवेल स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान तो ये सारे स्टेप्स लिखने के बाद हमको यहाँ पर एवेलेशन लिखना है तो एवेलन लिखना है स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन जो हमारा गोल था टू मेंटेन स्किन इंट्रग्रिटी वो हमने अचीव किया है वाई डिफरेंट इंटरवेंसन्स जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया तो इस तरह से इस माल uh, न्यूट्रिशन का जो केयर प्लान नंबर सेकेंड है उसको कंप्लीट करते हैं ये इंपॉर्टेंट केयर प्लान है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड माल न्यूट्रिशन के लिए नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड में यहाँ लिखा है फाटिक तो देखते इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई वांट टू टेक रेस्ट एंड आई आल्सो फील वीकनेस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखने पर पेशेंट शोइंग लेथार्जी शोइंगजीवियर एंड डिस इन सराउंडिंग्स इस पेशेंट को थकान और कमजोरी महसूस हो रही है बहुत पेशेंट लिथारजी दिख रहा है हमको इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के बेस पर नर्सिंग डायग्नोस्ट होगा पर फटिक रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी टू माल न्यूट्रिशन स्टेट कोम्प्रूव एनर्जी लेवल एंड डिक्रीज फटिक प्लानिंग और इंटरवेंसन देखते हैं फर्स्ट होगा मेरा अस द पेशेंट्स लेवल ऑफ फटिक रेगुलरली रेशन होगा टू एस्टेब्लिश बेस लाइन डाटा फॉर अर्ली इंटरवेंसन एंड इम्प्लीमेंटेशन असैस Level of fatigue. Number second, encourage the patient to prioritize activities and balance rest with activity to conserve energy and prevent excessive fatigue. Number second, implementation encourage about activity and rest priorities. Number third, provide a quiet, comfortable environment for rest and sleep. Rest yoga to promote restorative rest. And minimize disturbances implement yoga comfortable environment provided number four collaborate with dietitian to develop a balanced diet plan rich in iron and protein this yoga to address nutritional deficiencies that we contribute to fatigue implement yoga collaborated with dietitian number five encourage the patient to engage in mild to moderate exercise such as walking or yoga as tolerated this yoga, to improve overall physical condition uh, and help combat fatigue implement yoga एनकरेज द पेश टू एंगेज इन माइल टू मॉडरेट एक्सरसाइज और योग नंबर सिक्स एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू मैनेज सिम्टम सर्जनीटेट इस टू इम्प्रूव द पेशेंट्स एनर्जी लेवल एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्लीमेंटेशन होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंस वी राइटेड द एवेलेशन इज स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान तो देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड का इवेल्यूशन तो एवेल्यूशन लिखना है आपको यहाँ पर नाउ फर्टिक्स पेशेंट्स एनर्जी लेवल इम्प्रूव एंड फर्टिक डिक्रीज एंड फीलिंग पेशेंट फीलिंग लेस फटिक एंड मोर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग टास्क मीन जूमर कोल्डर टू इम्प्रूव एनर्जी लेवल एंड डिक्रीज फर्टिक वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया तो इस तरह से केयर प्लान नंबर थर्ड को कम्प्लीट करते हैं नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ केयरफुल नंबर फोर तो क्या रिस्क फॉर फ्लूड वॉल्यूम तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लिकेबल वैसे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना क्योंकि ये भी रिस्क डायग्नोस्टिस से किसी भी प्रकार का साइन सिम्टम अपेयर नहीं है एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असैस इंटेक एंड आउटपुट असेस वाइटल साइन असेस लेबोरेटरी वैल्यूज दैट इज एबनोमल इलेक्ट्रोलाइट लेवल और रीनल फंक्शन असेस स्किन टर्गर आफ्टर राइटिंग दीज डाटा राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने पर रिस्क फॉर फ्लूड वॉल्यूम डेपिसको टू मेन्टेन हाइड्रेशन स्टेटस एंड्रेशन इंटरवेंशन फर्स्ट होगा पर एनकरेज पेशेंट टू ऑरल इनटेक हेल्प टू रिमेंबर द नीड टू ड्रिंक फ्लूड एंड इवन इफ पेशेंट डू नॉट फील फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एनकरेज पेशेंट टू औरल इनटेक

Administer electrolytes as needed as ordered. Resonoga dehydration can lead to electrolyte abnormalities. of electrolytes. Administer number five. way patient daily. Rehydration daily. weight measurement will allow the nurse to easily monitor for potential fluid overload when rehydrating patient. Implement sugar weight patient number six. Education. Sorry, educate patient on the. इम्पोर्टेंस ऑफ मेन्टेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन स्टेटस रेगुलरली पेशेंट टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट अपॉन डिस्चार्ज एंड टू प्रिवेंट फर्दर एपिसम्पलीमेंट्स होगा एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंसंस वी राइटेड फॉर दिस केयर प्लान तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ का एवेलेसन तो यहाँ पर में लिखना है हाइड्रेशन स्टेटस मेनटेन एंड देयर इज नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जो हमारा गोल था टू मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन वो हमने अचीव किया वाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ फिफ्थ केयर प्लान हो गए पर डाइफिस नॉलेज तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्ट पेशेंट आस्किंग अबाउट ऑबेसिटी वेट लॉस एंड न्यूट्रिशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है लुकिंग एंड जिस एंड रेस्टलेसनेस आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइटेड नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के बेस पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे यहाँ पर तो डायग्नोसुगर पर नर्सिंग डायग्नोसुगर डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशन गोलोगाट टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज प्लानिंग और इंटरवेंशन फर्स्ट होगा असेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज रेशन लोग हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस इंप्लीमेंट्स नॉलेज असेस नंबर सेकेंड एजुकेट पेशेंट अबाउट एडिकेट फूड इन टेक एंड डाइट रेशन रेश टू कीट अंडर कंट्रोल एंड कीप पेशेंट हेल्दी इंप्लीमेंट्स एजुकेशन गिवन टू पेशेंट नंबर थर्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन गिवन टू पेशेंट दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर अस रेशन लोगो टू प्रोवाइड नॉलेज एंड न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन होगा रेशन लोग टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन होगा न्यूट्रिशन एजुकेशन गिवन नंबर थर्ड क्रिएटेड न्यूट्रिशनल प्लान फॉर पेशेंट रेशन लोग टू मेंटेन न्यूट्रशनल स्टेटस इंप्लीमेंटेशन लिखना है न्यूट्रिशनल प्लान क्रिएटेड नंबर फोर प्रोवाइड कंटिन्यूअस काउंसिलिंग एंड फॉलो केयर रेशन लोग दिस इज असेंशियल टू मोनिटर पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस कंटिन्यूअसली एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखना है काउंसिलिंग हैंड फॉलऑफ केयर गिवन आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी we द the स्टेप्स फॉर for this प्लान तो यहाँ पर एवेल्यूशन लिखना है लेवल ऑफ नॉलेज knowledge improved हमारा गोल्डर टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज वो हमने अचीव किया है भाई डिफरेंट इंटरवेंसन्स जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए तो इस तरह से माल न्यूट्रिशन का जो केयर प्लान नंबर फिफ्थ है यहाँ पर डेफिशेंट नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन वो हमने कम्प्लीट किया है तो इस तरह से यहाँ पर हम माल न्यूट्रिशंस के जो डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर टोटल मैंने चार सॉरी पांच नर्सिंग केयर प्लान आपको बताएं तो आप आसानी से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल अनंस नर्सिंग फाइल प्रिप्रेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामेशन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा थैंक यू